भगवान श्री कृष्ण के 9000 पुराने महल को वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला, पर कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के ओशियन ग्राफर अरिबन सी ने पॉल्यूशन का सर्वे करने के उद्देश्य से समुद्र में उतरे थे, लेकिन वहां उन्हें ऐसी चीजें मिली जो हजारों साल पुरानी थी, जिसमें एक दीवार और मिट्टी के पुराने बर्तन थे। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो दावा किया कि ये श्री कृष्ण की वही द्वारिका है जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई थी। फिर साल 1983 से 1990 तक यहां डिटेल्ड रिसर्च शुरू की गई। फिर उसी रिसर्च ने द्वारिका का अस्तित्व सामने कर दिया। यहाँ पर वैज्ञानिकों को एक नींव मिली जिस पर प्राचीन समय की दीवारें बनी होंगी, यानी उस समय तक द्वारिका को श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी मानकर लोग दर्शन के लिए जाते थे। वो तो असली द्वारिका थी ही नहीं, असली द्वारिका तो समुद्र की 120 फीट गहराई में पाई गई। समुद्र में यह 5 मील के इलाके में फैली हुई थी। इसमें इमारतों के स्तंभ, तांबे और कांसे के सिक्के और कुछ प्राचीन जरूरत के सामान मिले। यह अवशेष समुद्र में 85 किलोमीटर एरिया में फैले हुए थे। यहाँ पर लोगों के मकान, नालियाँ, गलियाँ पाई गईं, जिससे लोगों को यकीन हो गया कि ये वही द्वारका नगरी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रहती थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।